वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वाली वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पीछे ही दिख गया होगा। पोर्शे 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 पीछे दिखा दे भाई, हर तरफ मेरे करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हुई है, उधर भी इधर ट्रैक है, पूरा भरा पड़ा है ये जगह पोर्शे से, क्योंकि ये है पोर्शे एक्सपीरियंस। तो मैं आ गया हूँ जर्मनी एक सुपर कार चलाने, वो भी रेस ट्रैक पे। आपने हमेशा मेरे को देखा होगा, मैं गेम्स में बहुत तेज गाड़ियां चलाता हूँ, बट आज बारी है रियल लाइफ की। वैसे यहाँ पर जितनी भी कार्स हैं सारी की सारी बहुत फास्ट हैं और इन्हें बहुत मजा आने वाला है रेस ट्रैक पे चलाने में, बट मुझे पहले डिसाइड करना होगा कि मैं कौन सी गाड़ी चलाऊं। तो ये वाली है पोर्शे 911 करेरा और ये वाली है पोर्शे 718 एंड ये ग्रीन वाली है GT3, ये भी GT3, ये GT4, सारी पोर्शे की तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी है। अब यार देखो, मैं सच में इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना यार, कौन से चलाऊं, बट ठीक है अंदर चलकर देखते हैं। मेरे को तो बस साउंड सुन के इतना गूज़बम्प्स आ रहे हैं ना भाई, मजा आने वाला है। चलो यार बहुत बातें शाते होगी, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, फटाफट से चलते हैं अंदर ट्रैक पे और भगाते हैं आज पोर्शे। लेट्स गो। खुद ड्राइव करने से पहले मैं जाने वाला हूँ एक प्रोफेशनल रेसर के साथ पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करने, वो भी पोर्शे 911 करेरा 4 GTS में। 3, 2, 1, गो। तो ट्रैक मस्त एक्सप्लोर कर लिया है, बट अब मेरी बारी है पोर्शे उड़ाने की। चलाकर आ चुके हैं और जो ड्रिफ्ट मारे थे ना वो बहुत डेंजरस थे। फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं कार में हूँ और ऐसे इतनी गंदी तरह ड्रिफ्ट हो रही है, बट ठीक है अभी मेरी बारी है। लेट्स गो। सो जंप इन। सो रेडी? या लेट्स गो। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं गाड़ी धीरे चलाने वाला हूँ? आगे देखो होता है क्या। Launch control. Okay. In Sport Plus. In Sport Plus. So left foot on the brake, full power. And here we go. वो भी मस्त दो लैप मार के आया तुम्हारा भाई और सब करा लॉन्च कंट्रोल, ड्रिफ्ट नहीं करी वो। हाँ वो थोड़ी सी ना रिस्के भी होते हैं। बाय द वे अभी जो अपने साथ प्रो रेसर थे वो जा चुके अपनी व्हाइट वाली कार में और मैं उनको फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट लैप में वो धीरे चलाएंगे और मुझे एकदम पीछे पीछे रहना है, सेकंड में बहुत तेज होंगे मेरे को फिर भी पीछे पीछे रहना है, और थर्ड में और तेज रहेंगे मेरे को तब भी पीछे पीछे रहना। तो मैक्स रेडियो से कनेक्ट हो गए, लेट्स गो। व्हाइट वाली कार जिसको भी मुझे फॉलो करना है और वो बहुत तेज चलाने वाले हैं, वो पता अच्छे से, बट ठीक है तुम्हारा भाई भी, मैं तो मेरे को ओवरटेक नहीं करना है, सीखना है। सामने से बोल रहा था फ्रैंकलिन चल रहा है और मैं इधर पीछे माइकल अपनी गाड़ी भगा रहा है भाई। लेट्स गो। दो तीन लैप कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया अपने कुछ फ्रेंड्स को राइड देने। Try to follow it.
two or three car lengths is enough, and left, follow me. भाई पेट भर के खाना तो बहुत खाया था, बट आज पेट भर के मैंने गाड़ी भी चला ली है। एंड बहुत सारे लैप्स मारने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद मैं वापस पहुंच गया पिट साइड पे। बट हाँ, मैं दोबारा आऊँगा इस जगह पे रेस करने। भाई ये इतनी फास्ट चल कर आई है ना, इसके पीछे वाले टायर पूरे टाइम ड्रिफ्ट हुए हैं स्लैब में, और ऐसी स्मेल आ रही है, पर जो रबड़ जलने की स्मेल होती है वो आ रही है। और पता नहीं भाई गाड़ी में कुछ तो हो रही, कट 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 क्या है उनको बताना, शायद से ठंडी हो रही है या फिर क्या हो रही है। तो अभी मैं मस्त ड्राइव कर आ चुका हूँ पोर्शे 911 करेरा फोर्ड GTS, और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। फिलहाल अभी पीछे भी भाई भर गए, यहाँ पर इतनी मस्त मस्त पोर्शे है। बाकी सबसे पावरफुल पता है कौन सी है? वो ग्रे वाली, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इस जगह की सबसे पावरफुल पोर्शे है, क्योंकि इसके जो एरोडायनेमिक्स है ना, ये इतना बड़ा है, इसका स्पॉइलर है पीछे जो कि एडजस्टेबल है, ये थोड़ा सा अंदर भी हो जाता है, और शायद से जब स्पीड बढ़ती है फिर ब्रेकिंग वगैरह लगती है तो ये काम करता है। एंड अभी ये ब्लू वाली स्टार्ट हुई है शायद से कहीं जाने के लिए, एंड हम लोग इसके अंदर, ओ वेट, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इसमें राइट है या फिर लेफ्ट। एक बार फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ ये कैसी है। इतना बड़ा स्पॉइलर भाई इसका, तेरी इसकी सीट सच में बहुत नीचे है, मैं एकदम ऐसा जमीन में घुस चुका हूँ अभी। बट मैं इसको ड्राइव नहीं करने वाला, क्योंकि यार सच में ये भाई इसमें थोड़ा मैकेनिक्स ही अलग है। वेट, अबे ये मैनुअल है, मेरे को लग रहा था ऑटोमेटिक है, वो क्लच है भाई, ये मैनुअल कार है। मैं नहीं चलाने, मैं बाहर आ रहा हूँ भाई, इसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है। ये मेरे को ड्राइव स्पोर्ट्स मोड तो मैं चेंज कर लूंगा, ये बहुत सारी चीजें भाई इसके अंदर। बट जो भी है, पोर्शे की सबसे फास्टेस्ट कार में तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, लेट्स गो। मस्त अभी पोर्शे एक्सपीरियंस में घूम फिर के आ गए हैं। अभी ऊपर म्यूजियम भी है, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी उसमें। फिलहाल यहाँ पर है शॉप, इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या है। ये सब क्या है पोर्शे का, ये छोटी छोटी पोर्शे भाई। शॉप वगैरह भी मस्त घूम लिया है, अब चलते हैं इस मस्त बिल्डिंग के टॉप पे, क्योंकि वहाँ पर पोर्शे वालों का म्यूजियम है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जो देखते हैं आखिर क्या क्या है वहाँ। तो पोर्शे ने स्टार्टिंग में सुपर कार नहीं बनाई थी, स्टार्टिंग उनकी ट्रैक्टर से हुई थी, लैम्बोर्गिनी की तरह, बहुत पुराने टाइम का ये। बट अब मैं दिखाता हूँ इन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे कैसे अपग्रेड करा। ट्रैक्टर के बाद तो भाई पोर्शे ने एकदम नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करा। बट जो भी है, इस गाड़ी की हेडलाइट इतनी बड़ी है भाई इतने बड़े बड़े बल्ब लगे हैं इसमें। पर एक कूल चीज़ है यार, उस टाइम पर ही ऐसी कार बना दी जिसके बटरफ्लाई डोर है। ये वाली कार भी उसके सिमिलर ही है, बट इसके पीछे ये जो टेल है ना भाई, ये बड़ी मस्त। और ये जितनी भी गाड़ी है ना, ये आज की नहीं है, 90s के टाइम के भाई। भाई वो दोनों तो फिर भी ठीक थी, ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस फ्यूचर से आई है, जबकि ये पुरानी गाड़ी है। पहले की गाड़ी के डिजाइन आज के टाइम पे यार सच में बहुत फनी लगते हैं, क्या ही है। और भाई अभी ये जो कार है भाई, ये तो बिल्कुल सच में रॉकेट जैसा फिगर है इसका, ऐसा लग रहा है कि वैसे ऐसे ऐसे चलेगी और फिर यूं उड़ जाएगी। ये है पोर्शे की विंटेज कार 1955 की, और 150 पे चलती थी उस टाइम पे। बाकी उधर सारी विंटेज कार है, और उधर कुछ तो है भाई, उधर कुछ खेलने का है। हम लोग सुपर कार्स को बाहर बाहर से तो देख लेते हैं, बट उसको जो पावर देता है ना, वो होता है इंजन। और देख रहे हो भाई ये कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा इंजन। इसके अंदर पता नहीं कितने टाइप के पार्ट्स लगे हुए हैं। बाय द वे ये एक V8 इंजन है 4.8 लीटर का, बहुत तगड़ा दिख रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ जो V12 इंजन होते हैं 8-8 लीटर के, भाई कैसे दिखते होंगे इतने बड़े बड़े। तो चलो गाइस, आज के साले वीडियो में इतना ही। हाँ, मैं दोबारा आउट्रो करना भूल गया था इस बार। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना, और इस टाइप की और भी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए, एक्टिंग देख रहे हो भाई की सीट पे बैठ के वैसे, बट हाँ जो भी है, इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए तुम्हें ऐसे लाइक का बटन दबाना है। इस वीडियो पर 600,000 लाइक का एम है, तो जाओ यार कंप्लीट कर दो। और इस टाइप की क्या, इससे भी और बढ़कर आगे मस्त मस्त वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। नीचे बटन आ रहा है उसे दबा दो, हम लोग 2 मिलियन पहुंच जाएंगे, अभी जल्दी पहुंच जाएंगे अगर आप लोग दबाओगे तो। कमेंट्स भी करके बताना कि आपको कार में सबसे फेवरेट कलर कौन सा लगता है। भाई मेरा येलो ब्लैक है, आप लोग अपना बताओ नीचे कमेंट्स में। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।